चीमन ब्लॉक में 46 गांव, अब यहाँ देखिए 46 गांव में 1.5 करोड़ का घोटाला, तो कैथल ब्लॉक में कितना घोटाला होगा? अगर एक डिप्टी सीएम के फोन पे उपायुक्त महोदय कार्रवाई नहीं कर रहा, तो हम आम महिलाएं जो एक घर में, जहां तक पहुंचाई जाए, हम तो ये चाहते हैं मोदी जी से कभी हमारी आवाज़ पहुँचाई जाए। आज भी वो दोषी कर्मचारी और पदाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, आज भी वो महिलाओं को इतना डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको फोन पे ये प्रेशर डाला जाता है कि अगर आप मीटिंग में नहीं आओगे, आप लोग इसको देख सकते हो, इसमें दोषी करार सभी दिए गए हुए हैं और इसमें डीपीएम रजत भास्कर जी हैं जो इस समय हम कैथल के लघु सचिवालय में खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीवन ब्लॉक की महिलाओं का समूह इस समय जो यहाँ पर पहुँचा, और आज आपको बता दें कि सीवन ब्लॉक की महिलाओं द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि सीवन ब्लॉक में सफाई के नाम पर, विकास के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला जो है हुआ है। इनका कहना ये है, आरोप ये है कि 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला कृषि यंत्र में, सैनिटाइजर मास्क में, ई शक्ति में, जैसे कि आरोप लगा रहे कि 1.5 करोड़ रुपए का ये घोटाला हुआ है। आए दिन लगातार घोटाला भ्रष्टाचारों की आवाज़ें, खबरें लगातार आती रही है, चाहे वो सफाई में घोटाला हो, चाहे वो डेरा गदला में, इस तरह की खबरें आती रही हैं। लेकिन आज हम बातचीत करेंगे सीवन ब्लॉक की जो महिलाओं का समूह है। मेरा नाम प्रवेश देव है, मैं सीवन महिला ब्लॉक संगठन की उप प्रधान हूँ। जिस दिन वहाँ पर सीवन महिला ब्लॉक संगठन की मीटिंग हुई, उसमें पदाधिकारी बदले थे और सभी की सहमति थी, तो उसके बाद मतलब कि बैंक में गए, बैंक मैनेजर के ऊपर इन्होंने, स्टाफ वालों ने दबाव बनाया हुआ था कि मतलब पदाधिकारी नहीं बदलने, साइन नहीं चेंज। उसके बाद हमने एप्लीकेशन लगाई, सीएम के पास गए, हर जगह हम गई, लेकिन तब यहाँ पर एडीसी साहब ने इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी के में 450 पेज हैं, जो 419 पेज हैं वो विद प्रूफ के साथ लगे हुए हैं, और उन्होंने इंक्वायरी करके उस रिपोर्ट के अंदर जो ये सात हैं वो दोषी पाए गए, और उन्होंने रिपोर्ट पूरी डीसी साहब को दे दी गया। इससे पहले भी जो सुजान सिंह थे, हम उससे मिले थे और उन्होंने भी यही चीज में आरोपी पाए गए हैं। इसके अंदर है ई शक्ति का है, कृषि यंत्रों का है, मास्क बनाए थे महिलाओं ने, उनका है सैनिटाइजर का है, काफी कुछ मतलब कि उन्होंने वो किया। कितने करोड़ की अमाउंट का घोटाला? 1.5 करोड़ का जी। किस किस चीज में हुए? कृषि यंत्र हो गया, ई शक्ति हो गया, और मास्क का हो गया, सैनिटाइजर से घोटाला किया है थोड़ा उसके। सर क्या है, इसके अंदर हम जैसे 5 पदाधिकारी होते हैं, सिर्फ वो दोनों के ही मतलब कि ब्लैंक चेक पे साइन करवाते हैं, जबकि मैं उप प्रधान हूँ, मेरे को कोई जानकारी नहीं है उस चीज़ की, और जो हमारे सीवन महिला ब्लॉक संगठन की सचिव है गुरुदेवी, उसको भी कोई जानकारी नहीं है इस चीज़ की। इसकी शिकायत कहाँ की गई थी? इसकी शिकायत हमने डीसी साहब के पास की थी। कितनी महिलाएं हैं मतलब? डिप्टी सीएम को भी की थी हमने इसकी शिकायत है जी। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम खुशीदा है और मैं सीवन ब्लॉक में ही हूँ और इस फेडरेशन की एक महिला भी हूँ। जब हमें पता चला इन सारी बातों का कि इतने घोटाले हो रहे हैं, जब सामने एक एक चीज आई, जैसे मिशन अंत्योदय महिलाओं से ये सर्वे करवाते हैं और उसका पैसा ये स्टाफ के कर्मचारियों के अकाउंट में भेजते हैं, जब एक स्टाफ का कर्मचारी अपने पद पर बैठ के वो सैलरी ले रहा है और गरीब महिलाओं का पैसा भी उन्हीं के अकाउंट में डाला जा रहा है, तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? जब महिलाओं को ये पता चला कि हमारा पैसा, हम सीजन का टाइम था, जीरी महिलाएं लगाती थी, इन्होंने स्टाफ ने वो जीरी तो छटवा दी, इनको ये बोला कि आप मास्क बनाइए, मास्क बनवा के इन महिलाओं से वो 2-2 रुपए में मास्क बनवाते और 15-15 रुपए में बेचते, हमें नहीं पता वो बीच का पैसा इन्होंने कहाँ दिया, किसको दिया, कैसे दिया, और फेडरेशन के तहत ये वो पैसा लेते, तो क्या ये घोटाला नहीं है? सैनिटाइजर इन ये बनवाते, सैनिटाइजर में कुछ पानी मिलाते, कुछ और मिलाते, केमिकल मिलाते, और सैनिटाइजर को इनसे तो वसूलते, वो 2-2 रुपए में एक एक बोतल आगे बेचते, वो 15-15 रुपए में एक एक बोतल, क्या ये घोटाला नहीं है? ये यहाँ पे फाइल कवर बनवाते, ये थोड़े पैसों में आगे जाके पैसा और ज़्यादा में देते, तो क्या ये घोटाला नहीं है? ऐसे ऐसे घोटाले कैथल में ना जाने कितने हुए, और आज के टाइम तो जिला कैथल में घोटालों का बोलबाला है। आप इसी को देख लीजिए, डेरा गदली वाला घोटाला देख लीजिए, सफाई कर्मचारियों वाला घोटाला देख लीजिए, रजिस्ट्री वाला घोटाला देख लिए, यहाँ पे तो कैथल में घोटालों का बोलबाला है। और हमने जितने भी आज तक अप्लीकेशन दिए, हमारी कार्रवाई नहीं हुई, अगर एडीसी सर ने उस पर कार्रवाई की, उस पर दोषी करार दिए, तो 5 महीने से डीसी के ऑफिस में वो फाइल पड़ी हुई है। आज के दो के तो पदाधिकारी हैं जो, और जो दोषी करार दिए गए कर्मचारी है वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी जस्ट आज 17 तारीख 16 तारीख हुई है, 15 तारीख को 14 तारीख को जो मीटिंग हुई थी सीवन में, इसी फेडरेशन की फर्जी मीटिंग करवाई गई बकायदा, जबकि रजिस्टर एडीसी के पास पड़ा हुआ, इन्होंने फर्जी रजिस्टर लगाया, फर्जी सिग्नेचर करवाए, उसमें ये अभी
भी महिलाओं से पैसे ले रहे हैं और उसमें खाते में अब भी जमा कर रहे हैं। बकायदा उस मीटिंग में दोषी करार रेनू, दोषी करार सुनीता, दोषी करार DPM रजत भास्कर जिस मीटिंग में बकायदा मौजूद थे, महिलाओं पर प्रेशर बनाया गया और महिलाओं पर यह तक बोला जाता है कि हमें उस मीटिंग में ना आने दिया जाए। हम उस मीटिंग में जब भी पहुँचते हैं, हम एक ग्रुप की महिला है, हमें अधिकार है हमें अपनी फेडरेशन का जानने का, उसमें क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। 100-100 रुपये हम अपनी बचत करते हैं फेडरेशन के लिए, 10-10 रुपये हमसे और ज़्यादा लिए जाते हैं, तो क्यों ना हम अपनी आवाज़ उठाएं, क्यों ना हम न्याय के लिए कहीं ना कहीं बोलें। हमने इसकी शिकायत डिप्टी CM को दी थी और उससे घूम के हमारी ADC सर के पास इसकी शिकायत आई। उसने हमसे जो प्रूफ मांगे, जो हमारी गवाही मांगी, जो हमसे बातें की, हम उसके तहत उन्होंने दोषी करार दे दिया कि 419 पेज की ये है, आप लोग इसको देख सकते हो। इसमें दोषी करार सभी दिए गए हुए हैं और इसमें DPM रजत भास्कर जी हैं, जो BPM रामफल जी हैं वो, और इसमें रेनू है, सुनीता है, और जो DO है सुनैना जी हैं, राकेश जी हैं और नीरज जी हैं, इसमें उन सभी को दोषी करार दिया गया हुआ है और वो आज भी अपने पद पे ऐसे के ऐसे ही। हम DC साहब से मिले हैं, उन्होंने हमें 15 तारीख दी आश्वासन दिया था कि आप लोगों को न्याय मिलेगा और आज 17-16 तारीख होगी, हमें ना तो कोई न्याय मिला और आज भी हम उनसे गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय मिले। यहाँ तक कि हम तो खट्टर जी को भी ये बोलते हैं कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और हमें न्याय मिले। किस तरीके का न्याय चाहते हो? हम चाहते हैं कि जैसे दोषी करार दिए गए हैं उनको सजा दी जाए और जो हमारी फेडरेशन है उन दोषियों से और भ्रष्टाचारियों से उनको मुक्त कराया जाए। मतलब ये जो फेडरेशन आपकी पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट की है? नहीं, ये सीवन ब्लॉक के 46 पंचायतों की है और सिर्फ सीवन का पैसा है। और हम तो आवाज ये उठाना चाहते हैं कि जब सीवन में 1.5 करोड़ का घोटाला तो 6 ब्लॉक और भी बचते हैं, क्या उनमें DPM ने घोटाले नहीं किए होंगे? जो 6, 7 के 7 ब्लॉक है उसके अंडर में आते हैं। अभी तो सीवन का घोटाला सामने आया, अगर उन घोटालों की भी बात की जाए तो क्या उनमें घोटाले नहीं होंगे? कैथल ब्लॉक में 61 गांव है और सीवन ब्लॉक में 46 गांव है। अब यहाँ देखे 46 गांव में 1.5 करोड़ का घोटाला है तो कैथल ब्लॉक में कितना घोटाला होगा? गुला ब्लॉक में 74 पंचायत है तो उसमें कितना घोटाला होगा? तो ये सारे घोटाले सामने आने के बाद जब हमें पता चला कि हमारे पैसे का ये लोग ऐसे खा रहे हैं, ऐसे दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं आप लोग हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचाई जाए पहुँचाइए। हम तो ये चाहते हैं मोदी जी तक भी हमारी आवाज़ पहुँचाई जाए और हमें न्याय मिले। जिन पे आप आरोप लगा रहे हो सिर्फ उन्हीं की मिली भगत है, किसी और की मिली भगत भी? उन्हीं की भी मिली भगत है, यहाँ तक कि विधायक जी भी इसमें हम तो ये कहेंगे कि शामिल है। जब उनको इस बारे में पता चला, हम तो लीला राम गुजर जी के भी पास गए, हमें नहीं पता, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते। जहाँ तक हमें पता है कि उनको मोटी रकम दी गई और हमारी फाइल आज तक दबाई गई है। हम तो आप लोगों से ये भी बताना चाहते हैं कि इतने घोटाले होने के बाद और उनको दोषी करार देने के बाद भी जो वो आज के आज 5 महीने हो गए अपने पद पर बैठे, और 5 महीने हो गए हम कभी ADC के पास आते हैं, कभी DC के पास आते हैं, कभी DPCM के पास जाते हैं, हमने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे हम नहीं गए। तो क्या उनको वो हक है अपने पद पे बैठ के अब भी दुरुपयोग करने का? अभी 15 तारीख को भी उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया जबकि वो मीटिंग फर्जी थी। नमस्कार सर, मेरा नाम सतबीर है और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि पिछले मतलब जो पत्र क्रमांक 1496/12/3/2021 को उपायुक्त ADC साहब के द्वारा उपायुक्त महोदय को सौंपा गया है, जिसमें मतलब हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के DPM रजत भास्कर, BPM रामफल और उसकी प्रधान रेणु और खजांची सुनीता और 3 जो उनके DO हैं वो दोषी पाए गए हैं, जिन्होंने मतलब लगभग 1.5 करोड़ का गबन किया हुआ है। आज भी वो दोषी कर्मचारी और पदाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज भी वो महिलाओं को इतना डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको फ़ोन पे ये प्रेशर डाला जाता है कि अगर आप मीटिंग में नहीं आओगे आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। वो बेचारी महिलाएँ जो 10-10 रुपये इकट्ठा करी है बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। सर, हमने मतलब ऐसी कोई कार्यालय नहीं छोड़ा जहां हम अपनी मांग ना लेके गए हों। बार बार उपायुक्त महोदय को, DPCM साहब जिनके पास हमारा डिपार्टमेंट में, उन्होंने भी उनको फ़ोन किया, लेकिन उनके फ़ोन करने के बावजूद भी आज उन दोषी कर्मचारियों और पदाधिकारियों के ऊपर कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर एक DPCM के फ़ोन पे उपायुक्त महोदय कार्रवाई नहीं कर रहा तो हम आम महिलाएं जो एक घर में मतलब घर का काम करने वाले हैं, जिनकी कोई पहचान नहीं है, तो उनकी आवाज़ को कौन सुनेगा? तो मैं आज मीडिया के माध्यम से अपनी इन बहनों की, जो हमारे साथ 25,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो 10-10 रुपये इकट्ठा करके अपनी बचत कर रही हैं, जिनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब एक धोखा हो रहा है, उनके पैसे को खाया जा रहा है, उनको मतलब मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है,
उनकी आवाज़ को मैं मतलब आगे तक पहुंचाना चाहती हूँ और उनको इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो सीवन ब्लॉक की जो महिलाएं हैं वो बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं, 1.5 करोड़ रुपए का ये घोटाला बताया जा रहा है। जिस तरीके से आए दिन दुष्यंत चौटाला के विभाग में आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें जो है आती रही हैं, सफाई घोटाला आप देख सकते हैं, और उसके बाद डेरा गदले की खबरें आई थी सामने, हालांकि वो पेमेंट वापस चली गई थी, लेकिन आज फिर यहां पर सिवन ब्लॉक की महिलाओं द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 1.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार सिवन ब्लॉक में हुआ है। अब देखना यही है कि आगे किस पर क्या कार्रवाई होती है।